Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shweta and you are watching Vocabs with Shweta. Today we will learn some kitchen vocabulary in Hindi to English. So let's start. छानना, इसे हम इंग्लिश में दो तरह से कहते हैं. जब हम किसी लिक्विड को छानते हैं तो हम कहेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन. और जब हम किसी पाउडर को छानेंगे जैसे आटा तो हम कहेंगे सिफ्ट, सिफ्ट. लगाना या फैलाना, इसे हम इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड. पीसना, इसे हम इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं, ग्राइंड. कूटना या कुचलना, इसे इंग्लिश में क्रश या पेस्टल कहते हैं, क्रश या पेस्टल. छीलना, इसे हम इंग्लिश में पील कहते हैं, पील. काटना, काटना को हम इंग्लिश में तीन तरह से कहते हैं, कट. जब हम इस तरीके से काटते हैं तो हम कहेंगे कट. जब हम वेजिटेबल्स को बारीक काटते हैं तो हम इसे कहेंगे चॉप, चॉप. जब हम इस तरह वेजिटेबल को काटते हैं तो इसे कहेंगे स्लाइस, स्लाइस. गूथना, गूथना को इंग्लिश में नीट कहते हैं, नीट. बेलना, रोटी बेलने को इंग्लिश में रोल आउट कहते हैं, रोल आउट. सेकना, जब हम रोटी को सेकते हैं तो इसे इंग्लिश में बेक कहते हैं, बेक. पलटना, जब रोटी को हम पलटते हैं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप, फ्लिप. उड़ेलना या डालना, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोर, पोर. घोलना, इसे इंग्लिश में कहेंगे डिसॉल्व, डिसॉल्व. मिलाना, इसे इंग्लिश में मिक्स कहते हैं, मिक्स. फेंटना, इसे इंग्लिश में विस्क कहते हैं, विस्क. मथना, इसे इंग्लिश में चर्न कहते हैं, चर्न. मसलना, इसे इंग्लिश में मैश कहते हैं, मैश. चलाना, इसे इंग्लिश में स्टर कहते हैं, स्टर. कद्दूकस करना या घिसना, जब हम इस तरीके से सब्जियों को घिसते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट, ग्रेट. निचोड़ना, इसे इंग्लिश में स्क्वीज कहते हैं, स्क्वीज. तलना, इसे इंग्लिश में तीन तरह से कहा जाता है, जैसे डीप फ्राई. जब हम बहुत सारे तेल में चीजों को तलते हैं तो इसे कहा जाता है डीप फ्राई, डीप फ्राई. जब हम बहुत कम तेल में चीज़ों को फ्राई करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सौते, सौते. जब हम इस तरह से पैन में चीज़ों को फ्राई करते हैं तो इसे कहते हैं शैलो फ्राई, शैलो फ्राई. भूनना, रोस्ट, रोस्ट.
छिड़कना या बुरकना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल। छौंकना या तड़का लगाना, इसे इंग्लिश में सीजन कहते हैं। सीजन। उबलना, इसे इंग्लिश में बॉयल कहते हैं। बॉयल। उफनना, इसे इंग्लिश में बॉयल ओवर कहते हैं। बॉयल ओवर। डुबोना, इसे इंग्लिश में डिप कहते हैं। डिप। बीनना, इसे इंग्लिश में पिक ओवर कहते हैं। पिक ओवर। भिगोना, इसे इंग्लिश में सोक कहते हैं। सोक। सजाना, इसे इंग्लिश में गार्निश कहते हैं। गार्निश। ढकना, ढकना को इंग्लिश में कवर कहते हैं। कवर। जमाना, जमाना को इंग्लिश में सेट कहते हैं। सेट। पिघलाना, पिघलाना को इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं। मेल्ट। If you like the video, so please subscribe the channel, press the bell icon and share it with your friends.